हूँ आपके साथ विपुल माहेश्वरी। नए साल नई सोच और नए नजरिए के साथ शुरुआत करते हैं देश विदेश की तमाम खबरों की फटाफट न्यूज के साथ। बात करते हैं देश में कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के अस्पताल का दौरा कर ड्राई रन का जायजा लिया। वहीं दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के बीच ड्राई रन देश भर में शुरू हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड वैक्सीन के पहले चरण में देश भर में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। इसमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल है। अब बात करते हैं बिहार की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह का आज निधन हो गया। बिहार के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व राज्यपाल रहे बूटा सिंह का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। पूरे देश के साथ पटना में भी ड्राई रन की शुरुआत कर दी गई, जहां 3 सेंटर पर ड्राई रन चलाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ड्राई रन को लेकर बड़ा बयान दिया। कोरोना वैक्सीन का डेमो रन 3 जगहों पर 3 सेंटरों पर चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज से वैक्सीन को 2 मंथ ड्राई रन शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन का डेमो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है। अब बात करते हैं यूपी की, जहां अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। आपको बताते वैक्सीन को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। हालांकि देश वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि वे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव नहीं लगाएंगे कोरोना वैक्सीन का टीका, बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया। बोले बीजेपी की वैक्सीन पर नहीं है भरोसा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया पलटवार, कहा कि अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों को अखिलेश सरकार पर विश्वास नहीं है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद सौरव गांगुली का सफल एंजियोप्लास्टिक किया गया। आपको बता दें सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टिक की गई है। वुडलैंड्स अस्पताल ने बयान ये जारी करते हुए कहा कि सौरव गांगुली की हालत अब स्थिर है। गांगुली की एंजियोप्लास्टिक की गई, जिसके बाद दिल की नसों में स्टेंट डाला गया है। वहीं बात करते हैं दिल्ली की, जहां कृषि कानून को लेकर किसानों का लगातार आंदोलन जारी है। इस बीच किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वहीं कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने किया है दावा, सरकार को अल्टीमेटम दिया है, साथ ही कहा कि मांग नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। अब बात करते हैं राजधानी के दिल्ली की, जहां ड्राई रन के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके पहले चरण में 51 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। आपको बता दें दिल्ली में कोरोना को लेकर मुफ्त वैक्सीन लगाने की बात चल रही है, जिसमें पहले चरण में 51 लाख लोगों का वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में लोगों के लिए दवाइयां और इलाज मुफ्त है, तथा कोरोना वैक्सीन भी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। अब बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अक्सर प्रधानमंत्री अपने बयानों के साथ सुर्खियों में लगातार रहते हैं, लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने एक नया कीर्तिमान रचा है। यूएस के एक सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सभी नेताओं में यानी कि शीर्ष नेताओं में नंबर 1 पर बताया गया है। वहीं मोदी बने नंबर 1। यूएस फॉर्म से मोदी को टॉप रैंकिंग मिलने पर बीजेपी गदगद। गन्नड्डा बोले मुश्किल समय में नंबर 1 बने। अमेरिकी डाटा फॉर्म मॉर्निंग कंसर्ट ने 55% रेटिंग के साथ पीएम मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता माना है। ये फॉर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता और उनकी नीतियों पर नजर रखती है। 7 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट को लेकर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टूटने का मामला सामने आया, जिसमें 5 खिलाड़ियों को टीम से अलग कर दिया गया। वहीं 7 जनवरी से शुरू हो रहे सिडनी टेस्ट के पहले ही बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का नियम तोड़ने का मामला गरमा गया, जिसमें भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा समेत कुल 5 खिलाड़ियों को टीम से अलग कर दिया गया। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां स्टेट के नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत होती रही है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार नाम बदलती रही है, तो वहीं कांग्रेस ऐतराज जताती रही है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर नाम बदलने का मुद्दा गरमाया है, जहाँ कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने पर कांग्रेस को ऐतराज, जिसको लेकर शिवसेना ने ठनी जुबानी जंग। वहीं खबर बिहार के बक्सर से है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला गरमा गया। वहीं बिहार बक्सर में शरारती तत्वों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करा, जिसके बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर क्षतिग्रस्त होने को लेकर ग्रामीणों का जमकर हंगामा बवाल मचा है। वहीं बात करते उत्तर प्रदेश की, जहां एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 की घोषणा हो गई है, जहाँ कई पदों पर भर्ती निकाली गई। सर्विस कमिश्नर ने आधिकारिक नोटिस लीज करके कम्बाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इससे रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 564 पदों को भरा जाएगा। फटाफट न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहे 3N न्यूज नेटवर्क के साथ।